थक आई कॉल्ड अप थक एंड आई सेड आई वांट टू कम दैट्स लिटरली हाउ इट हैपेंड पहले मैंने स्काउट से बात किया तुम लोग स्काउट तुम लोग का टीम है मैं मैनेज करूंगा तो चलेगा क्या मतलब चलेगा क्या एज इन विल यू बी एबल टू वर्क विद मी क्योंकि लोगों को पता है कि हाउ आई वर्क मतलब मैं किसी का बुलशिट सुन के नहीं लेता कितने भी सब्स हो फॉलोअर्स हो कुछ भी जो भी हो तो इसके लिए आई वांटेड टू नो कि विल यू बी एबल टू वर्क विद कि मतलब मैं तेरे लिए काम नहीं करूंगा मैं तुम्हारे ऊपर रहूंगा जब इफ आई बिकम योर मैनेजर तो ये सर डेफिनेटली बहुत मजा आएगा इमीडिएटली मैंने थक भाई को कॉल किया उसके बाद मैंने बोला मेरे को आना है और मैंने ऐसे बोला आपको चाहिए क्या आप हायर कर रहे हो क्या मैंने सीधा फोन पे मेरे को अभी भी आया था मैंने बोला मेरे को आना है मेरे को सोल में आना है बस अंदर रेस्ट इज हिस्ट्री नेक्स्ट दो तीन दिन में फाइनलाइज हो गया वो टाइम पे वही है गाइस तुम लोग भी अगर कुछ गलत चल रहा है तुम्हारे लाइफ में कुछ भी खराब बहुत टेम्पररी है यार एक दो दिन रो भी लो चलेगा एक दो दिन डिप्रेस भी रहो चलेगा एक दो दिन पूरा रीसेट होने के लिए लगाओ मैंने भी लगाया था तभी बट पेंचो उससे जब निकलोगे ना ऊपर ही जाना है वापस इमीडिएटली मैं नीचे गया मैंने थक भाई को फोन किया मैंने बोला मेरे को आना है तो बोले ठीक है मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को एक बार गोल्डी भाई और मॉर्टल से कंफर्म करना पड़ेगा नेक्स्ट दो दिन में कंफर्म हो गया था वो डिस्कॉर्ड का एक स्क्रीनशॉट लीक हुआ था अगर आपको याद होगा तो वो डिस्कॉर्ड की मीटिंग उसके दो या तीन दिन बाद ही हुई थी Being in Seoul, having good people, good money and now a good team and lovely audience. Definitely, man. मतलब outside से पता है बाहर रख के है ना मेरे को भी ऐसा लगता था मैं झूठ नहीं बोलूंगा बाहर बाहर बैठ के है ना जब मैं भी इनको देखता था अभी होता क्या है ना बाहर वाले लोगों को अंदर का वर्किंग क्या होता है ना ये दिखता नहीं है मैं भी ऐसा बोलता क्या है भेंचो क्या है हर जगह पे फैमिली फैमिली करते क्या है कितना ही पैसा कमाते होंगे ये लोग पैसा भी क्या है मतलब दिखाने के लिए दिखा रहे कितना ही कमाते होंगे ऐसा क्या ही करता है ऐसा थग अलग क्या ही मैं भी सोचता था ये सब मेरा भी थॉट प्रोसेस था क्योंकि मैं बाहर रहता था मेरे को पता नहीं रहता था कि क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे आके अंदर आने के बाद अपने को चीजें समझ में आई।